बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिफ अहमद और आपके लिए लेके आया हूं आज फिर से एक नई वीडियो। इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होती है। एम्फीबॉलिक पाथवे ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इम्प्लांट का ये छोटा सा एक पार्ट है एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, हमने क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और हमारा ग्लाइकोलाइसिस कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में। जिसने नहीं देखा है उसको पहले वो जाके विजिट कर ले, ठीक है, प्लेलिस्ट में। इसके बाद यहाँ पर आए, इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको ये एम्फीबॉलिक पाथवे अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पहले लेक्चर में सब बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब बात होती है कि ये जो हमारी जो पाथवे है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है कम्प्लीट, ये एम्फीबॉलिक पाथवे इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है हमारी, ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है ना। तो जो मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है एम्फीबॉलिक का मतलब होता है कि इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और पुराने टूटते हैं, यानी इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होती है, इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार के पाथवे चलें उसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोला जाता है। ठीक है, स्पेशली ये कहना ठीक नहीं है कि एक सिर्फ कैटाबॉलिक पाथवे है, इसमें खाली ब्रेकडाउन हो रहा है। खाली ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसमें ना नई चीज़ें दोबारा बनती भी हैं। ठीक है, कैसे बनेंगी इसमें लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो जितना मैंने इसको हाईलाइट किया पोर्शन सारा वो रीड करें, ठीक है, तो समझाऊँगा आपको अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज इज़ द फेवर्ड सब्सटेंस फॉर रेस्पिरेशन, ये कहा जाता है। ग्लूकोज जो होता है सबसे बेस्ट सब्सटेंस होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इवन ऑल जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज के अंदर सबसे पहले वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज के अंदर। जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो फेवर्ड सब्सटेंस होता है, सबसे पहले इसी में सारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, बिफोर दे यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, सबसे रेस्पिरेशन से पहले सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबसे पहले इसी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट याद रहे, कार्बोहाइड्रेट की बात की मैंने, प्रोटीन फैट की बात नहीं की है, क्योंकि जो बाकी अदर सब्सटेंस होते हैं, जो अदर सब्सट्रेट होते हैं, ठीक है, उनको रेस्पिरेशन के लिए इसमें ग्लूकोज फॉर्म में नहीं आना पड़ता और ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी पार्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अदर सब्सटेंस कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड, वो भी सब रेस्पायर्ड होते हैं, बट हैज़ बीन मेंशन अर्लियर, बट देन दे डू नॉट एंटर रेस्पिरेटरी पार्ट वे एट द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब ये है कि वो जाके जो प्रोटीन और जो फैट होते हैं वो फर्स्ट स्टेप के अंदर एंटर नहीं करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के। ठीक है, वो बाद में एंटर करते हैं, बाद में किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना मान लो, इतनी बात जान लो कि जो ग्लूकोज होता है सबसे फेवरेबल सब्सट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए, और सबसे पहले जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे के सारे सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और जो अदर सब्सटेंस होते हैं, अदर सब्सट्रेट होते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर एंटर नहीं करते रेस्पिरेटरी पाथवे की। ठीक है ना, जहाँ से ग्लूकोज करता है वहाँ से नहीं करते हैं, ये लेटरल एंट्री करते हैं। लेटरल का मतलब साइड से एंट्री करते हैं, किसी तीसरे सब्सट्रेट की फॉर्म में, चौथे सब्सट्रेट की फॉर्म में, उसके बारे में जानते हैं आगे। तो सी द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द डिफरेंट सब्सट्रेट इन रेस्पिरेटरी पाथवे, फैट्स वुड नीड टू बी ब्रेकन डाउन इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड फैट एसिड। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि फैट जो होता है सबसे पहले किस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट जो होता है वो दो सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले, फिर जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड, जो फैटी एसिड होते हैं वो रेस्पायर्ड हो जाते हैं। कैसे रेस्पायर्ड होंगे, दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। तो यानी जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे फैट के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ठीक है, एंड एंटर द पाथवे, तो उसके बाद ये किस में एंटर कर जाते हैं, पाथवे के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब आता था ग्लिसरॉल, जिसका दूसरा पार्ट होता है, ये वुड बी द एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। यानी जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होता है, वो पाथवे में एंटर करने से पहले सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, PGAL के अंदर। जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वहाँ पर PGAL बनता था, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनता था। तो ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होता है, PGAL के अंदर। इसको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बोलते हैं, DHAP।
ठीक है ना, इस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल। इसका मतलब क्या, क्या सीधा ये ग्लाइकोलाइसिस की तरह सीधा सीधा रेस्पिरेट पाथवे के अंदर एंटर कर रहे हैं? नहीं, ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फैट जो होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में एंटर करता है, और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो डिग्रेड यानी टूट कर ब्रेक डाउन होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेते हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये सीधा क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। ये एक जंक्शन है ये, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में। वहीं दूसरा जो ग्लिसरॉल होता है, वहाँ जो दूसरा ग्लिसरॉल होता है, दे वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल। और जो ग्लिसरॉल होता है वो सबसे पहले क्या करता है, पीजीएल के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद ग्लाइकोलाइटिक जो पाथवे होती है उसके अंदर एंटर करता है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई हमारी फैट की। अब बात आती है प्रोटीन, प्रोटीन का क्या होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं ये कई प्रकार से एंटर कर सकते हैं इस पाथवे के अंदर। प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएसिस एंड इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीज के द्वारा क्या होते हैं, प्रोटीज जो एंजाइम्स होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड, और हर एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो होता है उसका डीएमिनेशन हो जाता है, यानी इसमें एमीन ग्रुप जो होता है वो हट जाता है, ठीक है ना। एमीन ग्रुप क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। एंड डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनता है प्रोटीन्स का, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, ये अलग अलग पाथवे में अलग अलग फॉर्म में इस पाथवे के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है कि पाथवे में एंटर करेंगे नहीं करेंगे। एट सम स्टेज विद इन क्रैब्स साइकिल और इवन पाइरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी क्रैब्स साइकिल के अंदर किसी चीज़ में भी ये एंटर कर सकते हैं, पाइरुविक एसिड भी बना सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में भी, पाइरुविक के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट पाइरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए या क्रैब्स साइकिल के अंदर सीधा ये क्या करते हैं, सीधे किसी भी स्टेज के अंदर ये पाथवे में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन के बाद हैव द कैपेबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हमको जानने की बात ये है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा बॉडी से जो होता है, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, जो खाना पीना नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, यानी डिग्रेडेड हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद फैट की बारी आती है, और सबसे लास्ट में बारी आती है प्रोटीन की, ठीक है। जब प्रोटीन की बारी आती है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है उसका डिग्रेशन अगर शुरू हो जाता है, डीएमिनेशन शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अपने आप को खा रही है, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो देखा जाए कि रेस्पिरेटरी जो पाथवे होती है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि फैटी एसिड जो हमारा जो फैट होता है वो फैटी एसिड के अंदर टूट जाता है, ठीक है ना, और ग्लिसरॉल के अंदर, जिसमें फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और कोएंजाइम ए बनने के बाद क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर कर जाता है, क्रैब्स साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। ये अदर सब्सटेंस इस प्रकार से लेटरल एंट्री करते हैं। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कि मान लो उसको उसकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स की कमी हो गई है, उसको फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, तो ये जो आपने देखा कि ये फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, यानी फैटी एसिड जब टूटेगा तब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। लेकिन जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है वापस से फैटी एसिड्स की, तो क्या होता है कि जितने ये हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं ये वापस से एनाबॉलिज्म कर और वापस से फैटी एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या हो रहा है, एक तरफ फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है और दूसरी तरफ क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस से फैटी एसिड्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्रोसेस दोनों चल रही है, ठीक है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। हैंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू द पिक्चर बॉर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबॉलिक पाथवे बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर भी क्या होता है, लेटरल एंट्री होती है। सबसे पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वो किसी भी प्रोसेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो इंटरमीडिएट लिंक है, ठीक है। पाइरुविक एसिड भी बना सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम भी बना सकता है, बहुत दोनों बना सकता है, इसको लिंक कहा जाता है, ठीक है। ब्रेकडाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म। अगर ब्रेकडाउन होता है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और सिंथेसिस होती है अगर किसी सब्सटेंस की उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी पाथवे जो होती है वो इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, तो वो दोनों प्रकार की पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पाथवे एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ई वापस से बनाया जा सकता है,
ठीक है, फैटी एसिड से, और वापस से एसिटाइल कोएंजाइम में से वापस से फैटी एसिड्स बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोटीन में होता है कि अगर प्रोटीन बनाना है तो वापस से जो हमारा पायरुविक एसिड होता है या फिर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम होता है वापस से अमीनो एसिड से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है जब जरूरत पड़ती है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम या पायरुविक एसिड की जरूरत पड़ती है तो प्रोटीन वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक तरफ हमारा एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, दूसरी तरफ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी ये इंटरचेंज प्रोसेस है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको रेदर देन एज कैटाबॉलिक वन, खाली कैटाबॉलिक वन नहीं कह सकते, इसीलिए कैटाबॉलिक वन नहीं कह सकते, दोनों प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर होती हैं। ओके, अगर आगे अगर हम कवर कर रहे हैं, आगे देखा जाए तो देखिए फिगर के अंदर दिखा रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसी को बोलते हैं PGAL, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक PGAL फॉस्फोग्लाइकरिक एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, या ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इंटरचेंज प्रोसेस है हमारी, ठीक है। ये जो चौथी जो स्टेप है कार्बोहाइड्रेट के बाद, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको PGAL बोलते हैं, ये आपस में इंटरचेंज प्रोसेस होती हैं। तो ये तो रही, फिर पायरुविक एसिड बनता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, फिर कैप साइकिल चलती है। ये तो रहा जब हमारा पाथवे चलता है, फॉलो होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कार्बोहाइड्रेट से फॉलो होता है। लेकिन जब इसमें लेटरल एंट्री होती है तो आप देखेंगे फैट को, देखिए यहाँ पर फैट जो होता है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल का क्या होता है, इन फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल होते हैं इसमें फैटी एसिड जो होता है सीधा एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो ग्लिसरॉल होता है फैट का वो डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लाइकरिक एसिड बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो फैट के ये दोनों कंपाउंड होते हैं ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर एंटर करते हैं। वहीं प्रोटीन की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले अमीनो एसिड्स बनता है, अमीनो एसिड्स के बाद अमीनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरुविक एसिड के अंदर। कब कन्वर्ट होते हैं, जब उसका डीएमिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद पायरुविक एसिड के अंदर जब वो एंटर कर जाते हैं तो एसिटाइलिक कोएंजाइम ए बना लेते हैं, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, यानी लेटरल एंट्री हो रही है। तो वापस से ये सब बनाया जा सकता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर किया जा सकता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से वापस से निकल कर एसिटाइल कोएंजाइम ए वापस से निकल कर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस होती है यहाँ पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को यह नोट कर लिया, याद कर लेना, ठीक है। अब बात आती है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में अगर आप जानेंगे तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब होता है कि रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, उस कंडीशन में जितनी ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं क्या उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, यानी बराबर होना चाहिए रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कि जितना वॉल्यूम जो रेशियो होता है हमारा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने इवॉल्व की है और जितनी ऑक्सीजन हमने कंज्यूम की थी, इसके रेशियो को बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब रेशियो क्या कहता है, रेशियो ये कहता है कि रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, उल्टा सीधा करके दे सकता है आपको, एग्जैक्ट ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर, मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो इनके लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जितनी ऑक्सीजन हमने कंज्यूम की, मान लो 6 ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, 2 ऑक्सीजन कंज्यूम किया तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा सब्सट्रेट होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, सारी एनर्जी हमें मिल गई। अगर किसी सब्सट्रेट का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 आता है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, उससे सारी एनर्जी हमें मिल चुकी है, क्योंकि उसमें जितने अमाउंट में हमने ऑक्सीजन ली थी उतने अमाउंट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये हमारा जो एग्जाम्पल दे रखा है ये फैट का है, मान ये ग्लूकोज का देख लेते हैं एग्जाम्पल ऊपर वाला, ये ग्लूकोज मान लो से 6H12O6 को अगर हमने 6 ऑक्सीजन दी तो आपने देखा होगा रिजल्टेंट के अंदर हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल ली है, यानी 6 ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, एनर्जी यानी पूरी एनर्जी मिल गई। अगर हम इसके नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले रिएक्शन की बात करें, फैट की बात करें, तो फैट आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, अगर फैट को आपने रेस्पिरेशन सब्सट्रेट के रूप में यूज़ किया है तो इसका रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन होता है लेस देन 1 होता है।
यानी आर क्यू लेवल जो होता है वो लेस कम से वन से कम होता है। इस वैल्यू को याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट का जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, यानी वन से कम होती है। वन से कम होती है इसका मतलब कितने, 0.7 तकरीबन होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फैटी एसिड लेते हैं जिसका नाम है ट्रिपलमिटिन। ठीक है, अगर हम इसको 145 ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमने ऑक्सीजन दी 145 और हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 102 कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो इसका मतलब क्या बराबर मिली, नहीं मिली, यानी जितनी हमने ऑक्सीजन दी थी उससे कम हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिली। इसका मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं रिलीज़ हुई, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाई, यानी ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया। एनर्जी तो बहुत है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है बहुत स्लो है। तो ट्राइपलमिटिन का फॉर्मूला, इसकी प्रोसेस याद कर लेना, ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है, दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 0.7। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जस्ट कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम होता है, ठीक है, कितना होता है, अबाउट 0.9 होता है। इनकी वैल्यूज़ को हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर हमें याद रहेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर हम अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस और ये मेथड जो होता है नीट के अंदर या एम्स के एग्ज़ाम के अंदर, या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं हमारे 11th क्लास के जो भी होते हैं एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी इन वैल्यूज़ को, जो प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और कार्बोहाइड्रेट का। तो मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का इज इक्वल टू 1 होता है और फैट का लेस देन 1 यानी कि 0.7 होता है और प्रोटीन का भी लेस देन 1 होता है, लगभग 0.9 होता है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो ये बहुत चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया इसको करने में, ठीक है। और ये भी दिखा हुआ है जो मैंने नीचे पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है कि जो सारे रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होते हैं, क्या सारे सारे हम यूज़ करते हैं, नहीं भैया, सारे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे प्योर प्रोटीन हो गया, प्योर फैट हो गया, आर नेवर यूज एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। प्योर प्रोटीन और प्योर फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने होते हैं इनके अंदर, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर नहीं करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन कौन से रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, प्योर प्रोटीन प्योर फैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।